भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए और आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में नेपाल की पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुजाता कोइराला, वर्तमान में नेपाल सरकार के पार्लियामेंट की सदस्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जिनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। और अतिथि के रूप में प्रोफेसर ऋतुलाल, डायरेक्टर स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, प्रोफेसर अल्बिना अब्बास, एकेडमिक्स डायरेक्टर आफ्ट ऑनलाइन, श्रीमती शिखा त्यागी, एसोसिएट डायरेक्टर SOJMC मौजूद रही। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा जी का कहना है कि हर साल 100 महिलाएं इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम में हिस्सा लेती हैं और दिन रात मेहनत करती हैं। ये बहुत ही सराहनीय है कि महिलाएं हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं। कार्यक्रम में मारवा जी ने आत्मनिर्भर बनने की भी बात कही और लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी जागरूक किया। श्रीमती सुजाता कोइराला जी ने भी बहुत खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने नेपाल के बारे में भी सबको बताया। नेपाल में अभी भी इतने संसाधन नहीं हैं जितने की बाकी जगह हैं, इसीलिए वहां अभी भी लोगों को पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि सभी को सारी सुविधा मिले जिससे वो अपने जीवन को सार्थक बना सकें। कार्यक्रम के समापन में वहां शामिल सभी महिलाओं को मुख्य अतिथि के हाथ से और मारवा जी द्वारा प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। इसके बारे में भी बताना चाहती थी मैं, भारत के महिलाओं को भी जानना चाहिए अपने नेबरिंग कंट्री में क्या हो रहा है, महिला का स्थिति कैसा है। तो हम लोग दोनों देश अगर एक दूसरों से शेयर करें अपना अपना प्रॉब्लम्स, तो हमारे रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा और इससे समस्या का भी समाधान हो सकता है। और जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, एक ही समस्या है प्राय महिलाओं का, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, मगर समस्या सब एक ही है। तो वो शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे बहुत खुश हुई है कि यहाँ भारत में आके इतना अच्छा एक प्रोग्राम फिल्म इंडस्ट्रीज के निर्माता लोगों के साथ बैठ के जो महिलाओं संबंधी बातें हुई, इससे नेपाल के जो फिल्म इंडस्ट्री है जो बहुत वीक है उसको भी प्रोत्साहन होगा, वहाँ भी उन लोगों को इनकरेजमेंट होगा और उसको वहाँ के जितने भी एक्टर्स वगैरह हैं या डायरेक्टर्स वगैरह, म्यूजिशियंस वगैरह हैं, उन लोगों को भी एक हौसला मिलेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मारवा जी के साथ, और सभी को आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग पब्लिसिटी कीजिए, वो भी जाएगा साउथ एशिया में कि हम लोगों ने ऐसा काम कर रहे हैं, और भी साउथ एशियन कंट्रीज को बुला सकते हैं, एक साथ बैठ के समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। मैम, संदीप मारवा जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो महिलाओं के लिए इतना सुंदर आयोजन किया, इतना बड़ा कार्यक्रम इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फोरम का आयोजन किया है, इसके बारे में मारवा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ कि वो सभी सेक्टर से काम करते हैं और फिल्म इंडस्ट्रीज में भी महिलाओं का ये जो कार्यक्रम किया मारवा जी ने, ये बहुत प्रशंसनीय है। और उन्होंने जो महिला के बारे में कहा, महिला को उच्च सम्मान दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फोरम का जो आपने आयोजन किया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? हमने कुछ साल पहले इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम की
रचना रची थी और ये संस्था बनाई इसलिए गई थी ताकि हम लोग फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई महिलाओं को एक अच्छा रूप दे सकें, उन्हें मदद दे सकें, उनको सहयोग दे सकें। लेकिन जब मैं बहुत गहराई में उतरा तो मुझे लगा कि जो महिलाएं फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई हैं वो तो बहुत खुश हैं और उनमें अच्छी जागृति है, जोश है, मोटिवेशन ऑलरेडी है। तो ऐसा लगा हमने कि हमें इसकी बाउंड्रीज खोल देनी चाहिए और हमने अपना जो सोच है वो इस दायरे से निकलकर देश भर और दुनिया भर से जुड़ी हुई किसी भी फिल्म, टीवी, मीडिया के छोड़ के किसी भी इंडस्ट्रीज की अगर महिलाएं रही हों, किसी भी सेगमेंट की रही हों, उनकी मदद करने की बात तय की। अब मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम अपने आप में एक फेडरेशन का रूप ले चुकी है। 20,000 से भी ज़्यादा महिलाएँ जो अलग अलग प्रोफेशन से, बिजनेस से जुड़ी हुई हैं वो इस संस्था से जुड़ी हैं। आज ये तय किया गया था कि हम आदरणीय सुजाता कोराला जी, जो कि भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री रही हैं नेपाल की, मेंबर पार्लियामेंट हैं और नेपाल की ही वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रही हैं, वो आईं, उन्होंने नए लोगों को इंडक्ट किया है मेंबर और करीब 100 लोग आज इस संस्था में नए मेंबर बने हैं। आज के दौर में इस तरीके के आयोजन समाज के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, इन इस किस्म के मौक़ों से जो प्रोत्साहन पैदा होता है वो कहीं भी किसी भी बाज़ार में नहीं मिलता है, किसी भी किताब को पढ़ने से नहीं आता है। आज एक इतनी बड़ी हस्ती खुद आकर जब 100 महिलाओं को सम्मानित कर रही है तो मुझे लगता है एक नया जोश, नई लगन, नई उम्मीद जो इन महिलाओं में पैदा हुई है उसका मुकाबला ही नहीं है। इस आयोजन के अलावा हम बहुत सारी और भी चीज़ें करते हैं, अगर थोड़ा सा प्रकाश आप उन पर डालना चाहें महिलाओं को सशक्तिकरण के। इसी संस्था के अंदर हम लोग इनकी तमाम परेशानियों को नज़र में रखते हुए इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं महिलाओं को हम, क्योंकि मीडिया से हमारा संबंध है, किसी को टेलीविज़न, किसी को रेडियो प्रोग्राम, किसी का इंटरव्यू, किसी के प्रोग्राम की कवरेज, जो अक्सर महिलाओं को इतनी आसानी से प्रदान नहीं हो पाती है वो हम लोग मुहैया कराते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी संस्था से जुड़ी हुई हमारी एक जो राष्ट्रीय, पहले राष्ट्रीय था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड हो चुका है, डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमन। और आदरणीय अब्दुल कलाम साहब, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने ये संदेश हमें दिया था जाने से पहले कि आप हर साल 100 महिलाओं को सम्मानित करते रहिए। और अब कुछ ही दिनों में हम लोग डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमन का आयोजन करने वाले हैं। बहुत सारी एप्लीकेशनें देश भर से और दुनिया भर से आ रही हैं, उसकी सिलेक्शन चल रही है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए भी एक बहुत खूबसूरत आयोजन किया जाएगा।